ਬਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮਿਲਣਗੇ ਬਟ ਰੇਟ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ कि आज के टाइम पे जो लेडीज हैं पहले हम लेडीज की तरफ जाते हैं लेडीज जो है उनको एक फुल फ्लेच हमारा जो है सलॉन्स में क्या आप सर्विसेज दे रहे हो लाइक वैक्सिंग हो गया आपको बॉडी स्पा हो गया आपको वैक्सिंग में डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें यूज होते हैं आप हाइड्रोफेशियल्स में भी जो आज न्यू टेक्नोलॉजी की जो मशीन्स आ चुकी हैं वो हमारे पास अवेलेबल है हमारे पास बहुत ही गुड एम्बियंस है एक बहुत ही पीसफुल है एटमोसफेयर है जो हमारा स्टाफ है स्पेशली जो हमारी ब्यूटी गर्ल्स हैं दे आर वेरी प्रोफेशनल इन हियर हेयर कट के लिए आप चार्ज करते हैं 750-800 ठीक है लेकिन हम लोग 600 इसमें चार्ज करते हैं लेडीज कट का जिसमें वॉश एंड ब्लो ड्राई भी है ये जस्ट इसका पे है 1100 इस कार्ड का चार्ज होगा ठीक है इसमें ये सर्विसेज हैं ब्यूटी सर्विसेज जी इसमें इतना आपको पे करना पड़ेगा 1699 इसमें वन टाइम सर्विसेज है ऑल सर्विसेज जिसमें फेशियल्स भी हैं जिसमें हेयर कट भी है हेयर स्पा भी है जिसमें वैक्सिंग्स भी हैं हमारे पास है एनी लेंथ लाइक नो शोल्डर लेंथ नो बैक मिड बैक हमारी एनी लेंथ में जस्ट हमारा जो प्राइस जा रहा है 2999 का प्राइस जा रहा है ओके छे महीने तक वैलिड है जेकर तुसी 1100 दे के इत्थे आवला कार्ड बनवाने हो तां 6 महीने दे विच जेकर तुसी आ सारीयां सर्विसेज लैणियां ने तां तुहानू इत्थे 1699 पे करना पएगा तां तुसी कोई भी सर्विस लै सकदे हो बहुत घट चार्जेस है तो नॉर्मल वैक्स जो देखो तो नॉर्मल थानू सिर्फ 500 दे विच वैक्स मिल रही है फुल आर्म्स फुल लेग्स ताई चीजा काफी ज्यादा ने कई पर्सन ने मान लो इथे आउण तो इथे विजिट करन तो पहला किसी ने केमिकल ट्रीटमेंट कोई 1 महीने पहला कराया 2 महीने पहला कराया तो 6 महीने दे विच जेकर ओनु ना नीड होवे ता ए जो कार्ड है फैमिली दे विच यूज कीता जा सकदा बिल्कुल कि किस तरीके दे नाल इत्थे ट्रीट किया जाएगा कि इत्थे मतलब मतलब एम्बियंस के हो जी है sure. की प्लेसेस ने किस तरीके दे नाल मतलब रिलैक्समेंट दे लिए ज्यादातर लोग सलून आंदे ने ता की रिलैक्समेंट है इत्थे ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਨੇਲਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਕਰੇਜ਼ ਦਿਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਲੀਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਕਅਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਊਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ये जो चेयर्स है ना ये खाली पेडिक्योर चेयर्स नहीं है इसमें एक मसाज भी है जैसे ही जब हम लोग हेयर वॉश करते हैं कंफर्ट के लिए जो हमारे क्लाइंट्स यहाँ पे बैठे हैं हम लोग वहाँ पे रिमोट से इसको पुश करते हैं ये चेयर ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है और इसके बीच में भी वाइब्रेशंस होती हैं जिससे उनको रिलैक्सेशन मिले फेस ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो ये नॉर्मल हेड वॉश वाली चेयर है बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਰਿਲੈਕਸਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਥੋਂ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਚੇਅਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏਗੀ
ਸ਼ਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਡੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਡੋਰ ਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਲੂਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸਲੂਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪੈਕੇਜਸ ਨੇ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਡੋਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਲੂਨ ਹੈ ਅਡੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਕ ਨੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ देखो ये सलोन का नेम जो हमारा एडोर हम लोग ने चूज किया इसी में ही सब कुछ आ जाता है एडोर क्या है एडोरेबल ठीक है एक बहुत ही फैमिली प्यारा सलोन बनाया गया है हमने और एडोर जो नाम होता है इसीलिए हमने दिया गया कि आज के टाइम पे हर कोई पर्सन अपने आप को बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहता है इसलिए हमने ये नाम चूज किया एडोर ठीक है हमारे पास ये जो सर्विसेज है यहाँ पे बहुत ही अच्छी है खूबी है फैमिली सलोन है कहने को ये एडोर लग्जरी सलोन है सब सोचते होंगे कि यहाँ पे बहुत ही एक जो प्राइस है बहुत एक लग्जरी टाइप के होंगे जबकि ऐसा कुछ नहीं है नहीं सब तो पहला क्वेश्चन यही आंदा माइंड दे विच लग्जरी सलोन ता भाई आम बंदा तो यही सोचता है क्योंकि जेकर चंडीगढ़ मोहाली की गल की जाए ना तो साढ़े अर्गे जड़े ने कई स्टूडेंट वीजे तो इतने आते हैं कई वर्क वीजे तो इतने आते हैं तो बंदा सोचता भी नहीं साड़ी जेब अलाउ नहीं करती बट ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਟ ਰੇਟ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੈਕੇਜਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ठीक है हमारे पास यहाँ पे इस टाइम पे जो पैकेजेस चल रहे हैं बहुत ही एक रीजनेबल पैकेजेस हैं क्योंकि आज के टाइम पे जो लेडीज़ हैं पहले हम लेडीज़ की तरफ जाते हैं लेडीज़ जो हैं उनको एक फुल फ्लेज हमारा जो है सलोन्स में क्या आप सर्विसेज दे रहे हो लाइक वैक्सिंग हो गया आपको बॉडी स्पा हो गया आपको वैक्सिंग में डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें यूज़ होते हैं आपका क्या फेशियल्स हैं फेशियल्स में क्या आपके पास न्यू टेक्निक्स हैं क्या न्यू टेक्नोलॉजीज हैं सो न्यू की है मैं वो जानना हाइड्रा फेशियल आज के टाइम पे आपको पता बहुत ही फेमस है बिल्कुल ठीक है हाइड्रा फेशियल्स में भी जो आज न्यू टेक्नोलॉजी की जो मशीन्स आ चुकी है वो हमारे पास अवेलेबल है हमारे पास बहुत ही गुड एम्बियंस है एक बहुत ही पीसफुल है एटमोसफेयर है जो हमारा स्टाफ है स्पेशली जो हमारी ब्यूटी गर्ल्स हैं दे आर वेरी प्रोफेशनल इन हियर ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਰ ਕੱਢੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਮ ਲੋਗੋ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਡੋਰ ਸਲੋਨ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਸਟ ਹਮਨੇ ਰੈਡੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੈਟਾਲੋਗ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਇਸਮੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ एक नॉर्मल हेयर कट के लिए आप चार्ज करते हैं 750-800 ठीक है लेकिन हम लोग 600 इसमें चार्ज कर रहे हैं लेडीज कट का जिसमें वॉश एंड ब्लो ड्राई भी है ठीक है जो और सलॉन्स हैं अगर अराउंड यू हैव टू गो टू एनी वेयर वो उनके डिफरेंट प्राइस लेकिन हमारे जो प्राइस बहुत ही इकोनॉमिक है जो हर किसी की पॉकेट को अलाउ करेंगे अब साथ साथ में हमने एक ये पैकेज निकाला है ये एक एडोर का एक ये कार्ड है ये जस्ट इसका पे है 1100 इस कार्ड का चार्ज होगा ठीक है इसमें ये सर्विसेज हैं ब्यूटी सर्विसेज जी इसमें इतना आपको पे करना पड़ेगा 1699 इसमें वन टाइम सर्विसेज है ऑल सर्विसेज जिसमें फेशियल्स भी हैं जिसमें हेयर कट भी है हेयर स्पा भी है जिसमें वैक्सिंग्स भी हैं ये हमारे पास हैं केमिकल के हेयर के हेयर से रिलेटेड ठीक है नॉर्मल आप मार्केट में जाते हो आपको और सलॉन्स में क्या प्राइजेस मिलते हैं आप स्मूथनिंग कैराबॉन्ड ये चीज़ें बहुत चलती हैं केमिकल वर्क में हमारे पास है एनी लेंथ लाइक नो शोल्डर लेंथ नो बैक मिड बैक हमारे एनी लेंथ में जस्ट हमारा जो प्राइस जा रहा है 2999 का प्राइस जा रहा है ये जो
सबको अलाउ करता है पॉकेट को। सो एक बार मैं ये थोड़ा दसना चाहूँगी, ये जो प्राइस लिस्ट है ये 6 महीने तक वैलिड है। जेकर तुसी 1100 दे के इत्थे आवला कार्ड बनवाने हो तां 6 महीने दे विच जेकर तुसी आ सारियां सर्विसेज लैनियां ने तो थोनू इत्थे 1699 पे करना पएगा। तो तुसी कोई भी सर्विस ले सकते हो, तो नाल दी नाल हेयर सर्विस है, केमिकल सर्विस है, तो 6 महीने दे विच तुसी ये सारा कुछ करवा सकते हो। तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस ने। जेकर वैक्सिंग की गल की जाए, सब तो ज़्यादा जो कुड़ियां नू चीज़ां जो अट्रैक्ट कर दियां ने, रीका वैक्स, फुलाम, अंडरआर्म्स एंड ऑल, सारा कुछ थानू 1000 दे विच मिलेगा, जो कि बहुत घट चार्जेस है। तो नॉर्मल वैक्स जो देखो तो नॉर्मल थानू सिर्फ 500 दे विच वैक्स मिल रही है, फुलाम्स, फुल लेग्स, ताई चीज़ां काफ़ी ज़्यादा ने। तो जेकर कुड़ियां तो इलावा गल की जाए तो मैनज जो ने उन्होंने लिए भी स्पैशल पैकेज है। ये 1000 रुपए का एक पैकेज है, वो हेयर कट, हेयर कलर, हैड मसाज, क्लीन अप, बियर्ड, हैड वॉश, ये जो ने मेंस दे ले भी नहीं। तो न्यू पैकेज ये है, वो जो है O3 इंस्टा फेशियल है, हेड मसाज है, पेडिक्योर, मैनीक्योर, आर्म वैक्स, थ्रेडिंग, ये सारा कुछ 1999 दे विच है, यानी कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल ने। तो एक होर चीज़ मैम मैं जानना चाहूँगी, ये जो रेट्स ने ता कई परसन ने मान लो इतने आने तो इतने विजिट करने तो पहला किसी ने कैमिकल ट्रीटमेंट कोई 1 महीने पहला कराया, 2 महीने पहला कराया, तो 6 महीने दे विच जेकर उन्हें ना नीड हो वे ता ये जो कार्ड है फैमिली दे विच यूज़ किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कार्ड हमने इसी रीजन से ही, ये कार्ड एक फैमिली कार्ड है कि फैमिली अगर कोई भी पर्सन ये हमसे लेता है उनके कोई भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो ये कार्ड को यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है कि खाली जिस पर्सन ने ये हमें हमसे बाय किया या 2 पर्सन यूज़ कर सकते, नहीं, ऑल फैमिली मेम्बर्स वेलकम हैं यहाँ पे। ये इस कार्ड को हमें जस्ट यहाँ पे काउंटर पे दिखाना पड़ेगा और वो अपने सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, यानी कि पूरा पैसा वसूल है। तो मैं तो चाहूँगी कि ज़रूर इतने विजिट किया जाए। सो एक बार थोड़े मैं सलून भी दिखाना चाहूँगी। सो मैं चाहूँगी तुसी नाल नाल सानू सारा दसो कि किस तरीके दे नाल इतने ट्रीट किया जाएगा, कि इतने मतलब एम्बियंस कहो जी है, की प्लेसिस ने, किस तरीके दे नाल मतलब रिलैक्समेंट दे लई ज़्यादातर लोग सलून आते हैं, तो की रिलैक्समेंट है इतने? सो ये हमारा अपस्टेयर है, इसमें सारी हेयर सर्विसेज होती हैं, हेयर केमिकल्स, इसमें जेंट्स और लेडीज दोनों का, क्योंकि ये यूनिसेक्स लॉन है। अगर ये इधर आ जाओ तो ये हमारा नेल सेक्शन है, नेल टेक्नीशियन होता है जो नेल्स के जितना भी एक्रेलिक, जेल नेल्स, एवरीथिंग यहाँ पे होगा जी। सो तुसी देख सकते हो कि इत्थे किस तरीके दे नाल हर एक चीज़ अवेलेबल है। अजकल जेकर कुड़ियां दी गल कीती जाए तो नेल्स नू लैके काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, नेल्स एक्सटेंशन नू लैके या फिर पावर पेंट नू लैके काफ़ी ज़्यादा कुड़ियां च क्रेज़ दिखदा, तो इत्थे हर एक वो चीज़ अवेलेबल है। तुसी देख सकते हो कि किन्नी सारी वैरायटी है, थानू डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलणगे। जेकर तुसी नेल एक्सटेंशन करवाना चाहुंदे हो तो जो तुसी सोच के आए हो उस तो अच्छा ही थोनों इतने मिलेगा, अजिहा सैटअप किया गया। तो मैम मैं जानना चाहूँगी आईलैशिज एक्सटेंशन लैके कुड़ियों से अजकल वो भी बड़ा क्रेज़ है, तो वो किवें मतलब वो भी ट्रीटमेंट इतने होंगे? यहाँ पे आईलैशेस एक्सटेंशंस हैं, यहाँ पे हेयर एक्सटेंशंस भी हैं। ओके, मतलब बहुत कट, मतलब पंजाब दे विच देखा जाए तो हेयर एक्सटेंशन बहुत कट होंदा, ते चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं उदी वी प्राइजेस जानना चाहूँगी। हेयर एक्सटेंशंस के जो प्राइजेस है 18 inches जो है वो हमारा 15,000 से स्टार्ट है। ओके, तो उदे मतलब रिव्यूज दी जेकर गल की जाए तो हेयर एक्सटेंशन कंफर्टेबल होंदा तो किन्ने टाइम तक उदा मतलब रहंदा है? तुसी कह रही किन्ने टाइम तक अच्छे से कर सकदे हो? हेयर एक्सटेंशन बिल्कुल कंफर्टेबल होता है जो लेडीज करवाती हैं। कुछ को डर होता है कि अगर हम हेयर एक्सटेंशंस करवा रहे हैं तो हम लोग प्रॉपर उसको टाई कर सकते हैं हेयर के, या उसको हम अच्छे से अपना वॉश कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हेयर एक्सटेंशन नॉर्मली जो है हम लोग नैनो टिप यूज़ करते हैं, यहाँ पे माइक्रो हेयर एक्सटेंशंस जो है हमारे यहाँ पे एक नैनो टिप से है और एक माइक्रो,
और बहुत ही कंफर्टेबली होती हैं, ऐसी कोई नहीं, क्योंकि लेडीज अपने माइंड में ये सोचते हैं कि हेयर एक्सटेंशन करवाने के बाद हम उसको अच्छे से टाई कर सकते हैं, उसको वॉश कर सकते हैं या कॉम कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू नहीं क्रिएट होता। बिल्कुल, मतलब जेकर तुसी पंजाब दे विच करवाना चाहते हो हेयर एक्सटेंशन, क्योंकि हेयर एक्सटेंशन दिल्ली दे विच, बॉम्बे दे विच ज्यादा इन्हां थावां ते ही मतलब मिलते हैं, तो पंजाब दे विच तुहानू मोहाली दे विच हेयर एक्सटेंशन मिल रहा, तो मैं चाहूंगी जेकर तुहाडा ड्रीम है तुसी चाहते हो तो एक बार अडोर लग्जरी सलून दे विच विजिट जरूर करो, जो भी थोड़ियां विशेज ने डिजायर्स ने वो जरूर इतने पूरिया होनगियां। तो मैम मैं चाहूंगी कि एक बार मैं आ सारा एरिया भी दिखाया जाए कि किस तरीके दे नाल इत्थे सारा सैटअप किया गया, किस तरीके दे नाल ये सारिया चीज़ा ने इत्थे। ये हमारा जो पार्ट है ये शैम्पू चेयर्स हैं जी, इसमें हेयर वॉश जो हमारे क्लाइंट्स हैं जी वो चीज़ें होती हैं। ये हमारा बैक सेक्शंस हैं जिसमें हमने सारा डिस्प्ले किया हुआ है जी, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं हम लोग जो यूज करते हैं, कैरेटीन्स हैं, कुछ भी है अकॉर्डिंग टू द हेयर केमिकल्स। हमारे पास शैम्पूज अवेलेबल हैं, हमारे पास जो है मास्क अवेलेबल हैं। ये हमारा सेक्शन है सारा का सारा हेयर जी। ये चेयर्स हैं, इसमें आप देख रहे हैं सारी, क्योंकि ये जो हमारा अपस्टेयर्स है ये जस्ट फॉर जस्ट हेयर केमिकल का है जी। अभी हमारे पास डाउनस्टेयर्स है बेसमेंट में हमारी सारी ब्यूटी सर्विसेज जो है, क्योंकि हर कोई लेडीज प्राइवेसी के लिए बिल्कुल और कंफर्ट जोन होना चाहिए, तो वो हमने भी बहुत अच्छे से सेटअप किया हुआ है। अभी हम आपको डाउनस्टेयर्स लेके चलते हैं बेसमेंट में, आइए आइए आपको दिखाते कि कैसे हम लोगों ने सारा नीचे सेटअप किया हुआ है जी। हमारे पास रूम्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी प्राइवेसी है कि किसी किसी भी क्लाइंट को या हमारी जो लेडीज हैं उनको ये चीज़ नहीं फील होगी कि हम लोग उस सैलून में गए हमें वो रिलैक्सेशन नहीं मिला, ठीक है, वो प्राइवेसी नहीं मिली जो हमें चाहिए। बिल्कुल, ये सेक्शन है यहाँ पे हमारे मेकअप के लिए, ब्राइडल्स, पार्टी मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, ठीक है, ये शगुन मेकअप, ये हमने ये एरिया उस चीज के लिए कवर करवाया जी। सो तुसी देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल बहुत अच्छे तरीके दे नाल बहुत स्लीक वे दे नाल इत्थे ये सारा कुछ सेटअप किया गया, मेकअप्स नू लेके, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स नू लेके, एक प्राइवेसी, एक कंफर्ट जोन इत्थे है, और इन्ना प्यारा एंबियंस है, एक आके ना पॉजिटिव वाइब मिलती है, तरोताजा हो जाता बंदा, तो तुसी देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके दे नाल डेकोरेट भी किया है ताकि तुसी आओ तो थानू बहुत ज़्यादा इत्थे आके रिलैक्समेंट मिले। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन इतने नीचे की वर्क होएगा इतने, ये पेडिक्योर चेयर्स हैं, इसमें एक ये जो चेयर्स है ना ये खाली पेडिक्योर चेयर्स नहीं है, इसमें एक मसाज भी है। ओके, जब कोई पर्सन यहाँ पे पेडिक्योर के लिए मैनिक्योर के लिए बैठता है उसको हम लोग उस पॉइंट से मैं आपको वो भी शो करती हूँ जी, जरूर मैं वो देखना चाहूंगी। ये चीज़ा मैनू खुद नु इन्नी अट्रैक्ट कर रही ने, तो लोग काफी ज्यादा रिलैक्स होंगे इस दिन। एग्जैक्टली, इस रिमोट से हम जब इसको ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें एक वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल वाइब्रेशन स्टार्ट हुई है जिवें ही ऑन किया गया, तो ये मतलब कैंड नू पेडिक्योर है बट फुल बॉडी रिलैक्समेंट, फुल बॉडी रिलैक्सेशन है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तुसी जेकर पेडिक्योर करवाउण आउंदे हो, तुसी मैनीक्योर करवाउण आउंदे हो, तो पेडिक्योर नॉर्मली पैरों के रिलैक्समेंट, बट जिस तरीके का इत्थे फर्नीचर यूज किया गया काफ़ी ज़्यादा एडवांसड है, हाई टेक्नोलॉजी है, इस दे नाल थोड़ी पूरी बॉडी नू रिलैक्समेंट मिलेगा। जिवें ही बटन दबाया गया पूरी चेयर दे विच वाइब्रेशन्स आन लगियां, यानी कि जेकर इत्थे आउंदे हो तो तुसी बिल्कुल सैटिस्फाइड होके जाओगे सर्विसेज तो। इस तरीके दे नाल जो ये है होर अजिहा की इत्थे है डिफरेंट, मैं वह भी जानना चाहूँगी। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एक ये शैम्पू चेयर्स दिखाएंगे जिसमें हम लोग हेयर वॉश करते हैं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इन चेयर्स में भी है, अपस्टेयर्स में भी और यहाँ पे भी जी। जैसे ही जब हम लोग हेयर वॉश करते हैं कंफर्ट के लिए, जो हमारे क्लाइंट्स यहाँ पे बैठे हैं हम लोग वहाँ पे रिमोट से इसको पुश करते हैं, ये चेयर ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है, और इसके बीच में भी वाइब्रेशंस होती हैं जिससे उनको रिलैक्सेशन मिले, नेक, बैक,
यानी हेड वॉश टाइम भी मतलब और रिलैक्समेंट मिलेगा जो एक बॉडी मसाज का होता है, यानी कि मतलब बंदा काफी ज्यादा पैसे लाके 1500-2000-2500 बॉडी मसाज करवांदा है रिलैक्समेंटली, बट इथे जेकर तुसी हेयर ट्रीटमेंट करवा रहे हो, जेकर तुसी कोई बॉडी ट्रीटमेंट करवा रहे हो, फेस ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो ये नॉर्मल हेड वॉश वाली चेयर है, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਰਿਲੈਕਸਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਚੇਅਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਰਿਲੈਕਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਈਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਆਈਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਮਾਰਾ ਬਿਊਟੀ ਰੂਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਬਿਊਟੀ ਰੂਮ ਮੇਂ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਇਸਮੇਂ ਉਨਕੋ ਫੁੱਲ ਆਫ ਵੈਕਸਿੰਗ, ਓਕੇ, ਬਾਡੀ ਮਸਾਜ ਇਫ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡੂ, ਫੇਸ਼ੀਅਲਸ, ਐਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, बहुत रिलैक्सेशन होता है इसमें। हमारे पास एक और स्पेशल है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। जी जरूर, मैं जरूर देखना चाहूंगी। हमारे पास यहाँ पे एक ये स्टीम रूम्स है। ओके, मैं कैमरामैन नु चाहूंगी कि जरूर दिखाए जान स्टीम रूम तक इतने अवेलेबल ने, जेकर तुसी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवांदे हो ता इन्नी क रिलैक्समेंट थोनू मिलेगी कि तुसी जरूर इतने आओगे। और स्टीम रूम बहुत घट अवेलेबल होंगे ने, तो तुसी देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल ये सारा कुछ इतने मैनेज किया गया, किस तरीके दे नाल एक क्या जावे ना कि खुशी और रिलैक्समेंट और सारा कुछ फुल पैकेज इतने मिलेगा। तो एक ध्यान मेरा इस चीज़ से भी गया, बहुत जेकर देखा जाए बहुत घट मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी इस तरीके ने मिलती है, तो आई थिंक ये वैक्सिंग मशीन है। बिल्कुल, ये वैक्सिंग मशीन, ये रोलन वैक्स है। ओके, ठीक है। ये वैक्स जब लंदन में भी बहुत यूज होती है, आप देखते हैं फॉरेन कंट्रीज में सब न्यू टेक्नोलॉजीज। बिल्कुल, आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि हर किसी को फॉरेन जाने की जरूरत है, वही के जो है ट्रीटमेंट्स है वो लग्जरी ट्रीटमेंट्स है। हमारे इंडिया में भी इस टाइम पे वो सारी चीजें आ चुकी हैं, सब एडवांस चीजें हैं, क्योंकि हमारे जो स्टाफ है बहुत ही क्वालिफाइड है, जहां जहां से वो कोर्सेज करके आए हैं और जो काम कर रहे हैं सब न्यू टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। तो इसीलिए हमने अपने अपने सलोन में ये चीजें रखी हैं कि जिससे हमारे जो क्लाइंट्स हैं कि वो चीज फील करें कि नहीं, जो ट्रीटमेंट्स यहाँ पे हैं वो वाकई ही बहुत ज्यादा ही न्यू टेक्नोलॉजी। मेनू जो लग गया क्योंकि एक बार जी ना इस सलून का नाम देखो ना, अडोर लग्जरी सलून, तां बंदे नूं लगदा भाई रेट बहुत हाई ने, लग्जरी है, इदां होएगा उदां होएगा, असीं नहीं पे कर पावांगे, बट उस लग्जरी दा रियल मीन की है ओह हुण पता लग रहा है। रियल मीन है कि तुहानूं सर्विसिज लग्जरी मिलणगीआं नॉर्मल रेट्स दे विच, जो सलून नॉर्मल चीज़ां तुहानूं जिहड़े रेट्स च दिंदियां ने लग्जरी सर्विसिज तुहानूं रेट्स च मिलणगीआं। रोल ऑन वैक्स है, इस तरीके दीआं पेडिक्योर चेयर ने जो तुहानूं फुल बॉडी ट्रीटमेंट दिंदियां ने, इस ਕਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਐਂਬੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਊਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਰਨੀਚਰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਲੂਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁਣੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਕਟਰ 70 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਅਡੋਰ ਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮੋਹਾਲੀ।